हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं आज हम अपने एक नए शानदार गेम प्ले के साथ। तो आज हमारे मैच में आए गेम एक्स प्रो। तो हमको भी मालूम नहीं था लोबी तक और भाई कूद गए तब तक कि गेम एक्स प्रो है। तो अभी हम नॉकआउट पड़े थे और वो वहां पे आ चुका था तो हमको वो मार देता है। मतलब कि नॉकआउट दूसरे ने किया था और मारा उसने। तो आप किल फीड में देख सकते हो कि भाई उसका नाम आया था अभी। तो यहाँ पे भाई नॉकआउट के चक्कर में वो मार देता है। तो यहाँ पे अच्छा हुआ वैसे मारा, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो उसका चैरेक्टर आईडी दिख गया, मतलब कि मारता है तो रिपोर्ट में जाके आप उसका रिपोर्ट कर सकते हो। तो उसमें उसका आईडी भी होता है। तो यहाँ पे आप उसका आईडी देख लो, फिनिश उसने किया था तो यहाँ पे आईडी है। तो आप ये आईडी लिख के भाई उसमें भी सर्च कर लो बीजीएमआई में। तो ये रियल वाले गेम एक्स प्रो है भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये दूसरी बार नाम आया। तो एक किल फीड में भाई इसका नाम काफी चमक रहा था भाई, सभी गन अपग्रेड है। तो अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे लेटे होते क्योंकि भाई हम गेम एक्स प्रो के साथ टीम अप करना चाहते थे। कि तभी आ जाता है पीछे से एक बंदा। तो देखो तो यहाँ पे इस बंदे को तो कर देते हम नो फिनिश की। तभी पीछे से एक गाड़ी आ जाती है। तो हमको लगता है कि भाई वो बंदा ऊपर ही आएगा और वो ऊपर ही आता है। देखो तो यहाँ पे भाई देखते देखते कितने बंदे आ जाते, एक भी बंदा नहीं था। और देखो कितने आ जाते यहाँ पे थोड़ी देर में, मतलब कि आधे मिनट में यहाँ पे भाई 5 से 6 डुओ आपस में आ जाती है। मतलब कि 200 मीटर की रेंज में, इतने में थोड़े में। यहाँ पे देखो एक बंदे को कर दिया अभी नॉकआउट। तो यहाँ पे बंदे को फिनिश भी कर देते। तो यहाँ पे देखो बंदा अभी गेम एक्स प्रो हमसे दूर था। तो यहाँ पे हम सोचते कि भाई लास्ट तक हम भी जिंदा रहे और वो भी जिंदा रहेगा तो भाई टीम अप कर लेंगे। लेकिन भाई वो बीच में ही टपक जाता है। तो यहाँ पे टीम अप तो हमारा होता नहीं है। लेकिन भाई गेम एक्स प्रो पहले ही मालूम होता तो भाई उसको नॉकआउट करके हम उसको साथ टीम अप कर लेते। मतलब कि भाई तब तक तो मालूम नहीं चलता सामने आ जाए कि ये गेम एक्स प्रो है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा दिखता है लेकिन भाई अभी फाइल में मर नहीं रहते। तो हमने सोचा कि भाई अभी यहाँ से निकल ही जाते। तो यहाँ से निकल के जोन भी हो गया था छोटा, तो हम आगे आ जाते। तो यहाँ पे आके रुकते और देखो पीछे बंदा होता है। तो यहाँ पे एक बंदे को कर दिया हमने नॉकआउट। तो वहीं पे उसका दूसरा बंदा भी होता है। तो यहाँ पे भाई गेम एक्स प्रो यहाँ पे भाई जिंदा रह जाता तो लास्ट में टीम अप भी कर लेते और पहले से मालूम होता तो थोड़ा सा सही से ही खेल लेते। यहाँ पे भाई नॉकआउट हो गए और वो आ गए, नहीं तो भाई जिंदा होते तो फाइट लेने का तो मजा आता। भले ही वो मार दे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसा तो समझते कि उसके साथ फाइट हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी दूसरी बार वेट किया लेकिन वो मर जाता है। तो यहाँ पे अभी हम चिकन डिनर निकालने का ट्राई करते हैं। देखो तो यहाँ पे जोन भी काफ़ी छोटा हो गया था और सामने बंदा होता है। तो यहाँ पे भाई घर में भी बंदा था और स्मोक में भी बंदा था। तो यहाँ पे अभी हम यहीं पे रुकते हैं कि जैसे स्मोक वाला बंदा दिखता है तो यहाँ पे उसको कर देता है नॉकआउट और फिनिश भी। देखो तो यहाँ पे इसका दूसरा बंदा भी था तो भाई वो कवर में चले जाता है। तो अभी हम उसको तो नहीं मार पाते, लेकिन एक घर वाले बंदे पे अभी हम कर देते हैं पुश। क्योंकि भाई हमको भी चले जाना था, घर में थोड़ी सी अच्छी जगह ले लेनी थी क्योंकि यहाँ पे तो भाई ग्रेनेड वो डालेंगे तो भी मर जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम स्मोक करके पहले देखते हैं कि भाई वो बंदा तो नहीं आ रहा है जोन में जो बाहर था वो। तो यहाँ पे अभी हम कर देते हैं पुश। तो भाई इस घर में हमको एक ही लग रहा था और निकलते हैं दो। तो देखो तो यहाँ पे मेरे को तो भाई 10 HP कर दिया था, लेकिन अपना बंदा पीछे से आके दोनों को मार देता है। हमने एक को डैमेज तो दिया ही था। तो यहाँ पे जैसे इस बंदे को मारते कि भाई ग्रेनेड आने शुरू हो जाते हैं पास वाले घर से। तो यहाँ पे पहले हम बाहर ही खड़े रह के हीलिंग कर लेते हैं क्योंकि भाई अंदर जाएगा और ग्रेनेड आएगा तो फट जाएगा उसमें ही। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा तो बंदे बचे नहीं थे, देखो 3 ही बंदे बचे थे। तो यहाँ पे हम ग्रेनेड डालते कि तब भी एक बंदा यहाँ पे क्लोज इन कर लेता है। तो अभी उसको हम गन फाइट लेने वाले थे। तो यहाँ पे इस बंदे को तो भाई आसानी से हम बाहर जाके मार देते और यहाँ पे हीलिंग भी कर लेते।
तो यहाँ पे आपस में भाई ग्रेनेड की बारिश हो रही थी, वो हमारे पे डाल रहे थे और हम उस पे। तो यहाँ पे भाई जैसे ग्रेनेड खत्म होते हैं तो यहाँ पे लास्ट जोन भी आ चुका था, मतलब कि अभी पूरा खत्म ही होने वाला था, पूरा का पूरा सर्कल ब्लू जोन ही। तो यहाँ पे अभी हमने सोचा कि क्यों ना भाई हीलिंग फाइट की जाए, हीलिंग फाइट की जाए। तो यहाँ पे अभी हमारे पास भाई 6 फर्स्ट एड और 2 हमारे पास थी मेड की। तो हमारा बंदे को बोला तू भाई फाइट लेने चला जा, मैं यहाँ पे हिल फाइट करता हूँ। तो सामने जो दो बंदे थे वो एक एक थे, मतलब कि दूसरी टीम के थे। तो यहाँ पे अभी मैं लगाता हूँ पहली बैंडेज, मतलब कि पहली मेड की, तब भी हमारे बंदे को वो बंदा कर देता है नॉकआउट। तो यहाँ पे एक मिनट किट तो लग गई, तो यहाँ पे दूसरी लगाता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा हो जाता है जोन में भी नॉकआउट, देखो। तो यहाँ पे भाई मेरे को लगा दोनों बंदे सामने की टीम के भाई अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही टीम के निकलते। तो भाई क्या ही ये दोनों बंदे थे मालूम नहीं था, लेकिन भाई आखिरकार हमको चिकन डिनर मिल ही जाता है। तो यहाँ पे भाई इस चिकन डिनर मिला, लेकिन भाई गेम एक्सप्लोर से टीम अप नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, इसमें फिर भी अच्छे तो प्लस मिल ही गए थे।